नंदीग्राम चुनाव रिजल्ट केस में ममता बनर्जी की याचिका के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। भारतीय सेना में और 147 महिला ऑफिसर्स को मिला स्थायी कमीशन, अब तक 424 को मिला परमानेंट कमीशन। केंद्र ने अब तक राज्यों को दी 39,59,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज। एमपी में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा ऐलान, सीएम शिवराज ने कहा 26 जुलाई से खोले जाएंगे स्कूल। उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए संक्रमित मिले, एक की मौत, घटकर 711 से कम हुए एक्टिव केस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। एक तरफ सरकार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहें, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। मसूरी में इस वक्त एक साथ इतने सारे लोगों के आने से कोरोना का खतरा काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना लग रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में तीसरी संतान पैदा होने पर लक्सर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 की निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो गई। निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का यह पहला मामला सामने आया और इसी कानून के आधार पर उनको हटाया गया है। जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच की और रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो सभासद को अब पदमुक्त कर दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये सभासद हैं जो अब इस दायरे में आई, जिसके बाद उनको पदमुक्त किया गया है। राज्य अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा हल्द्वानी पहुंचे, यहां उन्होंने सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही, साथ ही इस समस्या से लोगों को जल्द ही निजात दिलाने की बात भी कही है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि आज उनके द्वारा भाजपा और अनुसूचित जाति की बैठक हुई है और इस बैठक में लोगों की विभिन्न समस्या का समाधान करने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्षेत्र में विकास के नाम एक ईंट तक नहीं लगी है। क्षेत्र में टूटी सड़कें, पानी की कमी, बिजली की कटौती हो रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। क्योंकि यह जागरूकता का विषय है, संविधान में जो प्राप्त अधिकार है उसमें निश्चित तौर पर पेयजल, सिंचाई, सड़क, इनका होना बहुत नितांत जरूरी है। जिस तरह से भी विकास की योजनाएं सरकार संचालित कर रही है, जो जियो जारी किए गए हैं, क्या वास्तव में उन लोगों को मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? अगर नहीं मिल पा रहे हैं, आयोग के संज्ञान में कोई मामला लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें जन सुनवाई के द्वारा उस मामले। रुड़की में डीएम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सिडकुल एसोसिएशन के साथ कई अहम मुद्दों पर बात करने के लिए बैठक की। इस बैठक में औद्योगिक संगठनों ने डीएमसी रविशंकर और एडीएम के मिश्रा को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। एक लंबे अंतराल के बाद रुड़की में जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्योग मित्र बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में नाले के निर्माण के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इसका निरीक्षण करें और निरीक्षण के बाद काम की जानकारी को साझा करें। आज लगभग 13 साल के बाद रुड़की को जिला मित्र उद्योग बैठक का आयोजन किया गया है। पिछले काफ़ी लंबे अंतराल से जिला उद्योग मित्र बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट ऑफिस हरिद्वार में ही हो रहा था, लेकिन इस बार रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन और भाद्रावत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के निवेदन पर जिलाधिकारी महोदय ने इस बार की जिला मित्र उद्योग बैठक रुड़की में आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से हरिद्वार जनपद में कार्यरत लगभग 9 औद्योगिक संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जितनी भी उद्योग से जुड़ी समस्याएं हैं उनसे जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीबी गुप्ता जी और सचिव श्री अजय गर्ग जी ने सलीमपुर औद्योगिक क्षेत्र, अपना रामनगर औद्योगिक क्षेत्र, उसमें सड़कों और ड्रेनेज की जो मुख्यतः समस्या है उससे अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने जो विभागीय क्षेत्र के कार्य हैं उन पर तत्काल निर्णय दिया है
और कुछ जो पॉलिटिकल लेवल के निर्णय हैं जिनका राजनीतिक हल निकलना है उनके लिए एक प्रस्ताव संगठनों को देने के लिए कहा है। जो है समय समय पर किया जाता है, इसमें विभिन्न जो समस्याएं हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे जल भराव को लेकर के समस्या है या जो है सड़क से लेकर के जो है विभिन्न कई सारा मुद्दों पर जो है वो समस्याएं जो है बताया जाता है, उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देशित किया है, उसका अनुपालन का स्थिति भी जो है आज समीक्षा किया गया है और कुछ जो है नया प्रॉब्लम भी जो है आज भी रखा गया है, उसका भी जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। ऋषिकेश में भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। दरअसल बैराज कॉलोनी निवासी महिला के साथ मारपीट हुई। मामले में आरोपी पार्षद शौकत अली और उसके परिजनों की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गरमाने लगा है। इसी पर अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कोतवाली का घेराव करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो खुद आरोपी के घर में घुसकर पीड़ित महिला के साथ न्याय करेंगे। तो ये हमारी जो धर्मनगरी है यहाँ के लिए एक बहुत अप्रिय घटना है। एक पार्षद जिन जो धर्मनगरी के लोगों ने जिसको जिताया है और बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता भाईचारा वाला है उसे, मगर उन्होंने जो हरकत करी है एक महिला के साथ पिटाई करी है जो गर्भवती थी और वो भ्रूण हत्या जो उन्होंने करी है उसके लिए हम आज पुलिस प्रशासन पे आए हैं कि आप, हम शांतिप्रिय माहौल चाहते हैं, आप अगर कार्रवाई करते हैं तो हमको कोई वो नहीं है, माहौल शांत रहेगा। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो माहौल ख़राब होने में आपका बहुत बड़ा सिरे रहेगा। और ये जो घटना हुई है, इस घटना, ये अभी घटना नहीं है, काफ़ी टाइम से बहुत घटनाएं, बहुत शिकायत आ रही थी, मगर आज जो है ये सबके सामने घटना आ गई है और बर्बरता के साथ उस महिला के साथ पिटाई करी गई है उसके पूरे परिवार के द्वारा। देखिए ऐसा है ना कि कोई झगड़ा हुआ है, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं, वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ है और उनका ये कहना है कि उस झगड़े में वो जो महिला है उसका मिसकैरेज हो गया है, तो उस संबंध में अभी डॉक्टर से पूछताछ करके बयान लेके और जो भी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी तो संबंधित धारा उसमें बढ़ा के और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलियर में कबीर हॉस्पिटल का उद्घाटन विधायक हाजी फुरकान अहमद ने किया और वहां पर तमाम तरह की गतिविधियां भी देखने को मिली। और क्या कुछ चीज़ें हुई आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर देख सकते हैं। तो विधायक ने अस्पताल का उद्घाटन किया है और साथ ही गरीब मरीजों को हर सुविधा देने की बात भी वहां पर कही है कि जितने भी आसपास के इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको इस अस्पताल से काफ़ी फायदा होगा। हाजी कमरू है और ये मैंने यहाँ का घाट क्षेत्र है, बेड़पुर चौक के पास कबीर हॉस्पिटल खोला गया है। यहाँ पे दवाइयाँ पे 20% डिस्काउंट, बेड पर्चा फ्री है, बेड का कोई चार्ज नहीं है, पर्चे का कोई चार्ज नहीं है और अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे। बेड़पुर चौक पे कबीर हॉस्पिटल का उद्घाटन विधायक माननीय फुरकान जी अहमद के द्वारा किया गया है और इस अस्पताल में घाट क्षेत्र को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए, सुविधाओं का अभाव देखते हुए इस हॉस्पिटल की। उत्तराखंड में लगातार विधायकों के रौब दिखाने के मामले सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हों या विपक्षी पार्टी के, सब अपने अपने टशन में रहते हैं। ऐसा ही मामला काशीपुर से भी देखने को मिला जहां विधायक ने एक थाने में पहुंचकर पुलिस वालों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल पुलिस ने किसी मामले में एक लड़के के साथ मारपीट की थी। जानकारी मिलते ही विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंच गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे और पुलिस वालों पर जमकर चिल्लाए। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी मिली तो उन्होंने विधायक से बात की। मुझे कहीं विश्वास सूत्रों से एक जानकारी मिली कि 9 या 10 तारीख की घटना हो, किसी ढाबे पे दो बच्चे चाय पीने या खाना खाने जो भी करना है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जसपुर थाने में 2 सिपाही, एक अमित है, योगेंद्र या नागेंद्र क्या है मुझे नहीं मालूम, ये लोग वहाँ पहुँच गए अचानक। इन्होंने उसके साथ पिटाई की, लड़के के साथ, उसे किसी थाने लेके गई है एक व्यक्ति, और एक उनमें से किसी व्यक्ति ने जो अमित नाम का वो लड़की के साथ बदतमीजी की,
जो मुझे अभी पता चला, लेकिन मैं जसपुर थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, कुंडा थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, ये मुझे पता है मेरी विधानसभा का है, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैंने सीओ साहब से भी बात की, एडिशन साहब से भी की, आईजी साहब से भी, एडिशन साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर एसएसपी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। कांवड़ मेले को स्थगित किए जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक हुई। यहां पुलिस अधिकारियों ने प्लानिंग तैयार की, किस तरह से बॉर्डर पर आने वाले कांवड़ियों को रोका जाए इस पर रणनीति तैयार की गई है। इसी के साथ बॉर्डर के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बादराबाद के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में बिजली पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है। पानी की किल्लत की वजह से कर्मचारियों और मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिना बिजली के मरीजों का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया है। अस्पताल के ही एक कर्मचारी सुनील कुमार का कहना है कि पिछले 3 दिन से अस्पताल की बिजली और पानी बंद है, जिसके लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। रुड़की की दुर्गा मंदिर समिति के लोगों ने पंडित जगदीश पैन्यूली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंडित पर आरोप लगाया है कि पिछले 1-2 सालों में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के साथ पंडित ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और इस मामले में उनके खिलाफ लिखित शिकायत भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मंदिर की दान पेटी से भी पैसों को निकाला गया है। मंदिर समिति के कैशियर अनिल अग्रवाल ने इस मामले में जानकारी भी दी। एक 2 साल से हमने उनको कई बार मना किया कि भक्तों से सही किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते थे। 2-3 बार हमने उनको एक कहा भी कि भाई तुम मान जाओ, उन्होंने शिकायत लिख के दी हमें, अब आगे मैं नहीं करूँगा। मतलब काम चल रहा था साथ खानी, हम 2-4 लोग थे, वो तो करते ही। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 819 पहुंच गई है। टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को प्रदेश में 29,486 लोगों को वैक्सीन दी गई। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि जहां तीसरी लहर को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने के लिए नकली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे 25 लोगों को बीते कल पकड़ा गया है जो नकली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर प्रदेश में घूम रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ये भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाए, ताकि वैश्विक महामारी को रोकने में सफल हो सके। जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरियंट एक वहाँ पर छतरपुर बनाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं करते हैं, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमारी ऋषिकेश में भाजपा पार्षद शौकत अली और उसके परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली विधवा महिला की बेटी का गर्भपात हो गया, जिसका जिम्मेदार पीड़ित महिला ने पार्षद को ठहराया। मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस से मुकदमे में भ्रूण हत्या का मुकदमा भी पार्षद के खिलाफ दर्ज करने की मांग की। यही नहीं, आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी महिला ने उठाई है। नाम अंजलि है। शौकत अली पार्षद जो है, ये जो हमारे घर में लड़ाई हुई थी, मारपीटी करी थी, और ये लोग परवेश हो गया, साजिया उनकी परवेश की मम्मी हो गई, ये लोग हमारे घर में आए थे मारपीटी करने, जिसमें मैं बीच बचाव में बाहर गई थी अपने भाई को बचाने के लिए, तो धक्का मुक्की में इन लोगों ने मेरे पेट में मार दिया, जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शौकत अली पार्स और परवेश अंसारी, साजिया और गोलू, ये सब ने मेरे साथ।
बढ़ती महंगाई को लेकर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने शहर में जुलूस निकालते हुए सरकार का पुतला फूंका। लगातार खाद्य वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंचाई छूती कीमतों के विरोध में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस मौके पर महिला एकता केंद्र की नेता बिंदु गुप्ता ने कहा कि सरकार की जन विरोधी इस नीति से आज आम आदमी के सामने 2 जून की रोटी का भी संकट आ पड़ा है। पूंजीपतियों से वफादारी और जनता से गद्दारी का नारा देते हुए कहा कि जहां एक ओर अडानी अंबानी की तिजोरी दिन प्रतिदिन भर रही है, वहीं गरीब के मुंह की रोटी छिनती जा रही है और हालात यहां तक आ गए हैं कि आम जनता को मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जो बढ़ती हुई महंगाई खाद्य पदार्थों पे, तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, इन सारी मांगों को आधा किया जाए, जितनी भी दाम बढ़े हुए हैं उनको आधा किया जाए। और मोदी सरकार जो लगातार पूंजीपतियों के संग, हमारा यही नारा है पूंजीपतियों से आ रही जनता से गद्दारी नहीं चलेगी, तो ये सीधी सीधी साफ दिखाता है कि अडानी अंबानी को जितना भी मुनाफा पहुंचाने की कवायद सरकार चला रही है वो लगातार उसमें सक्सेसफुल हो रही है। और जो जनता के बीच में जितने भी वादे किए हैं उसने, उसमें सब में फेल है। तो हमारा ये मानना है इस महंगाई विरोधी जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम के द्वारा हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी भी मेहनत का आवाम के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाली जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उस पर लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ाने के पीछे जो सरकार का जो खेल है वो लगातार। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कोरोना काल में व्यापारियों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपवास रखकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में लागू लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार बाजार बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। आज व्यापारी बैंकों के कर्ज तले दब चुके हैं, पर कोई भी व्यापारियों की सुध लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाते हुए प्रत्येक व्यापारी को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कोरोना जो महामारी प्रथम और द्वितीय लहर आई थी, और उसमें हमारे चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे होटल वाले हो, जिम वाले हो, या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसका अनुपालन किया। और इस कोरोना महामारी में चाहे वो प्रथम लहर रही चाहे द्वितीय लहर रही, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हमारा व्यापारी प्रभावित रहा। और प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान उनके ब्याज को माफ करे, और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार उनके। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।